देखिए कल फाइव टाइप्स करा दिए थे हमने, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, आज कुछ टाइप्स और कराते, फिर उसके आगे चलेंगे। आप लिखिए टाइप नंबर सिक्स, जो हमारे एग्जाम के हिसाब से जितने इंपॉर्टेंट टाइप है उसके हिसाब से कराएंगे हम। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को दिख रहा होगा। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, एलसीएम निकालना है। तो इसमें केवल हमें टाइप नंबर सिक्स के अंदर एक फॉर्मूला तैयार करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप देखिए यहां पर अगर इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें दो नंबर दे रखे हैं, या तो एचसीएफ दे रखा है या एलसीएम दे रखा है, तो चौथी चीज निकलवाएगा। फॉर्मूले के अंदर हमारे तीन चीजें, एक तो एलसीएम है, एक एचसीएफ है और एक दो नंबर का मल्टीप्लाई है, तो चार चीज में से हमेशा हमें तीन चीज दे रखा होगा। अब उन्हीं तीन चीजों के आधार पर हम चौथी चीज निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम तो हमें निकालना है, एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, फर्स्ट नंबर हमें 306 दे रखा है और सेकंड नंबर हमें 657 दे रखा है। तो यहां से अगर हम एलसीएम की वैल्यू निकालना चाहें तो 9 के साथ हमारा एलसीएम का मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एलएचएस में 9 के साथ एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये आरएचएस में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये बन गया 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब इसे हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब निकलता है कि अगर सेम टेबल से ये कट रहा होगा तो काट देंगे। तो इसमें हमने काट की थी, देखिए 9 बन जा 9, ये पूरा 9 से ही चला गया, 9 थ्री जा 27 और 9 फोर जा 36। अब केवल हमें इस क्वेश्चन में 34 का मल्टीप्लाई करना है 656 के साथ, और जो भी आंसर आएगा दैट इज योर एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं बेटा लासा सर, 657। कोई बात नहीं बेटा, मैं आंसर नहीं पूछ रहा, मासा। केवल इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो। ओ सॉरी, ये वाले बता रहा है तू, ठीक है बेटा, सही बात बता रहा है, लिखा रहा है। ओ बेटा दिख गया दिख गया, ये जो था मैंने गलत लिख दिया था, 657 नंबर दे रखा है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही हमारा ऑप्शन के अंदर ढूंढ लेंगे। कभी कभी बहुत ज्यादा जब मल्टीप्लाई होता है तो ऑप्शन के अंदर मल्टीप्लाई फॉर्म में ही छोड़ देता है आंसर, तो इसलिए ये जरूर देखें कि हमारा ऑप्शन में किस फॉर्म में आंसर है, उसी फॉर्म में आंसर को लाने की कोशिश करें। ये नहीं पहले मल्टीप्लाई कर डाला फिर देखा कि अरे ये तो इस फॉर्म में था, फिर दोबारा से उसको कन्वर्ट किया, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। तो टाइप नंबर सिक्स में यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकता है। यदि किसी बच्चे को टाइप सिक्स में कोई परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। चलिए इसका मतलब किसी को परेशानी नहीं है सर। बोलो। हेलो सर। सर बोलो, इसी तरह एक और क्वेश्चन बनवा दीजिए। चलो वेरी गुड,
बहुत बढ़िया बच्चा। देखो बेटा ये बच्चा चाहता है एक एग्जांपल और करना है इस तरह का। चलो मैं बना देता हूँ। देखिए बेटा एग्जांपल देखिए, इसे हम बोल देते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक मिनट बेटा बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर चला गया। देखिए बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे करके, एलसीएम ऑफ 6 एंड 60, दो नंबर दे दिए, इक्वल टू 60, फाइंड एससीएफ ऑफ 6 एंड 60। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सभी बच्चे करेंगे। आपको इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दिए जाते हैं, 2 मिनट का टाइम है, कर लीजिए। कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा, केवल ये बता सकता है कि मेरा हो गया, अपना नाम बताएगा और फिर कहेगा कि मेरा हो गया। सही हो गया। नाम दोबारा बताओ बेटा, सुनाई नहीं दिया मुझे। शाम गुप्ता सर। ठीक है, और बच्चों को करने दो अभी। सर हो गया राकेश कुमार। सर हो गया अमित कुमार मंडल। ओके सर मेरा भी हो गया। नाम बता बेटा। सर सुभान। सुभान ओके बेटा। सर हो गया अविनाश कुमार। ओके बेटा। सर हो गया शशांत। ओके। सर हो गया असीम। क्या नाम बेटा? सर हो गया वैभव शर्मा। नहीं इससे पहले एक बच्चे ने नाम लिया था, नाम सुन नहीं पाया मैं उसका। सर असीम। ओके बेटा सी। थैंक यू। नाम बताओ। विपिन कुमार। ओके बेटा। विपिन बेटा दो हैं हमारे, कौन सा रोल नंबर है आपका? रोल नंबर 14। 14 ओके। चलिए बेटा अब आप सब लोग अपना आंसर मिलाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। सबसे पहले ध्यान रखो, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो फॉर्मूला हमेशा लिखो। फॉर्मूला लिखने का सबसे मेन फायदा ये हो जाता है हमारा कि फॉर्मूला लिख लिख के हमें याद हो जाता है, और इतना परमानेंट याद हो जाता है हमें फॉर्मूला कि फिर हम कभी भूलते नहीं है उसे। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उस फॉर्मूले को लिखो। ये फॉर्मूला था मेरा, एलसीएम मुझे 60 दे रखा था, एससीएफ निकालना था इस क्वेश्चन में, और फर्स्ट नंबर 6 और सेकंड नंबर 60 दिया। अब क्योंकि हमारा यहां पर 60 के साथ एससीएफ का हो रहा है मल्टीप्लाई एनएचएस में, जब ये 60 आरएचएस में जाएगा तो आरएचएस में जब भी 60 जाएगा तो वो चला जाएगा डिवाइड में, तो इसके हिसाब से ये 6 इंटू 60 अपॉन 60
60 से 60 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं, और इस आधार पर एससीएफ हमारा जो बचा वो बचा 6। सभी बच्चों का आंसर सही होगा, यदि किसी बच्चे का आंसर गलत है तो वो माइक ऑन करके बताए कि मेरा गलत था। क्या किसी बच्चे का आंसर गलत है तो माइक ऑन करेगा वो बच्चा? चलिए, इसका मतलब सभी का सही है। अब देखते हैं टाइप नंबर 7। किसका गलत हुआ बेटा, नाम बताओ। चलिए बेटा, कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको डेसिमल एक्सपेंशन के, अब ये आपके सामने एक्सरसाइज 1.4 दिख रही है आपकी एनसीईआरटी बुक की है। इसका क्वेश्चन नंबर 9th वाला, ये जो क्वेश्चन 9th है ये आप सबको करके दिखाना है। स्टार्ट हो जाओ जल्दी से, इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से करो। 2 काम करने हैं इसमें, एक तो हमें पता करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ में ये भी पता लिखना भी है, उसे टर्मिनेटिंग है तो उसे लिखना भी है डेसिमल फॉर्म में। चलिए बेटा जल्दी से शुरू हो जाए। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक ऑफ कर दो। सर हो गया राकेश कुमार। सर हो गया अमित कुमार मंडल। ओके ओके बेटा। सर हो गया शांत। सर हो गया सर राकेश कुमार के बाद किसने बोला था, अमित कुमार मंडल? यस सर। और उसके बाद एक और बच्चे की आवाज आ रही थी सर, मैंने कर लिया। नाम बता बेटा। सर सुभान। सुभान ओके। सिवेन। और कौन बोल रहा है? सर सिवेन। सिवेन ओके बेटा ओके। सर हो गया असीम। नाम? सर असीम। असीम ओके। सर हो गया। नाम? गया सर साहिल। सर हो गया। ओके बेटा नाम बताओ। ओके सर मैं साहिल। साहिल ओके। 10th ए वाला है या 10th बी वाला है? सर हो गया सर 10th बी। सर हो गया विपिन कुमार। विपिन कुमार ओके बेटा। अभिषेक कुमार हो गया। ओके बेटा आसान था, इस तरह का क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में अवश्य मिलेगा। देखिए अभी सभी लोग अपना अपना आंसर मिलाएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है लोएस्ट सम में कन्वर्ट करना। यहाँ पे 35/50 दे रखा है, यदि मैंने इसको लोएस्ट सम में कन्वर्ट नहीं किया और सीधे आंसर निकालने की कोशिश की तो मेरा आंसर गलत आ जाएगा। तो मैंने इसको सबसे पहले लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया, 5 से काटा 7 टाइम्स,
और 5 से काटा 10 टाइम्स। अब नीचे वाले के मैं फैक्टर कर सकता हूं आराम से 2 × 5। मैंने कहा था अगर केवल दो प्राइम नंबर आ रहे हैं, एक 2 और ये 5, इनकी पावर कितनी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई एक किसी एक की पावर 0 हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों की पावर नॉन जीरो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। यदि प्राइम नंबर 2 और 5 को छोड़ के बाकी कोई सा भी आ जाए तो ये मान के चलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहां पे ये टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग को डेसिमल फॉर्म में कैसे किया जाता है ये बताया था बेटा, फिर दोबारा सुनिए। सबसे पहले हमें इन दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है उसको सेम करना है। तो जैसे यहां पे दोनों की पावर 1 सेम आ रही है पहले से ही, तो कोई बात नहीं, अभी तो एक और क्वेश्चन में बना दूंगा इस तरह का जिसमें पावर सेम नहीं आएगी। अगर ये दोनों पावर सेम आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले का मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है यदि 1 आ रहा है और उसके बाद 0 वाला नंबर आ रहा है तो किस तरह से डिवाइड करते हैं। डेसिमल हमारा 1 डिजिट लेफ्ट में चला जाएगा। ये 7 लिखा है तो इसका मतलब 7.0 होता है। अगर डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 0.70/10। सॉरी 10 नहीं आएगा, डेसिमल को हमने सॉल्व कर दिया है, केवल ये आएगा 0.70। अगर डेसिमल आ रहा है और डेसिमल के पहले कोई संख्या नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल हमें दिखे इसलिए 0 पहले लगा देते हैं, और डेसिमल के बाद यदि बाद में 0.0 आ रहा है तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। ये तीनों की तीनों फॉर्म ही आंसर में सही मानी जाएंगी। आंसर ए बी सी में हमारा इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में आ सकता है। अब एक क्वेश्चन और करिए, ओके बेटा। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करके दिखाइए मुझे इस जैसा। ट्वेल्व अपॉन 90 स्टार्ट हो जाइए बेटा। हमें पता करना है क्या ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हेलो सर जी। बोलो जी। सर मेरी क्लास ज्वाइन कर लो, अमन अमन के नाम से आएगी। बेटा तू क्लास में ज्वाइन हो गया, जब भी तो मैं मेरे पास तेरी आवाज आ रही है, क्लास में ज्वाइन ही नहीं होता तो आवाज कैसे आती। सर जी फैजान की उससे कर रहा हूँ, फैजान अली के। बेटा मेरे पास रिक्वेस्ट तो आई नहीं है अमन की, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है। इस समय मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है सर। हो गया राकेश कुमार। ओके बेटा दोबारा से क्या कर रहा है बेटा। सॉरी वापस भेज दी। कोई बात नहीं बेटा, इसी से ज्वाइन कर ले आज, आज फैजान के साथ ही देख ले, दोनों भाई साथ साथ देख लो आज। कल से देख लेना, कल से देख ले। चलो बेटा जल्दी से करो, इस क्वेश्चन को करना है अब आपको। हो गया सर, अमित कुमार मंडल। ओके बेटा ओके सर, 12/90 सर मोहित सर। हो गया सर, मेरा भी मोहित सर। ओके सर, हो गया सर। ओके नाम सर सिविल। सिविल ओके सर। वही सर हो गया। ओके नाम बता। कमल। कमल ओके। सर हो गया। नाम सर साहिल। ओके सर हो गया। असीम। नाम असीम। ठीक है बेटा,
आधा मिनट का टाइम और रह गया है, जल्दी से करें जिन जिन बच्चों का भी नहीं हुआ। हो गया सर। नाम बता सर। हो गया मोहित सर। मोहित सर मेरा भी हो गया। नाम फैजान अली। मेरा भी हो गया। ओके सर मेरा भी हो गया। मेरा हो गया, मेरे को कैसे पता पड़ेगा ये मेरा का मतलब कौन सा है? सही अमन का हो गया। सर हो गया शाम गुप्ता। ओके चलिए बेटा अब जरा मिलाइए आंसर अपना। सबसे पहले सर हो गया वरुण कुमार। ओके बेटा अब मिला ले बेटा मिला ले। देखिए बेटा सबसे पहले इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, थ्री से इसको काटा 4 times और 3 से इसे काटा 30 times। तो ये कुछ अभी भी 2 और कट सकता है। 2 से काटा इसको 2 times और ये 2 से काटा 15 times। अब क्वेश्चन बन गया 2/15। 15 के फैक्टर कर लिए मैंने, 3 से डिवाइड हुआ 5 times, 5 से डिवाइड हुआ 1 times। तो इसके फैक्टर बन गए 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मैंने कहा था डिनोमिनेटर के अंदर हर हालत में जो प्राइम नंबर आ सकता है वो 2 और 5 आ सकता है, इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आता। जबकि यहां पर हमारा प्राइम नंबर आ रहा है 3। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। और मैंने बताया था क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर हमेशा यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, अगर नॉन वो सॉरी टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग होगा। तो क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो पक्का ये 7 में रिपीटिंग होगा, क्योंकि रेशनल नंबर के अंदर अगर एक नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग आएगा, अगर नॉन रिपीटिंग है तो टर्मिनेटिंग आएगा। मतलब जो ये नॉन है ये एक ही बार आ सकता है। मिलाइए जल्दी से आंसर, यदि किसी बच्चे का गलत है तो सही वाला नोट कर लो। सर मेरा पूरा कट गया। पूरा कट गया बेटे, पूरा कैसे कट जाएगा भाई, ये किससे काट दिया तने? सर पहले 2 से काटा फिर 3 से। 2 से काटा 3 से काटा तो आंसर तो इतना ही आएगा कि पूरा ही कट गया तेरा। देखना जरा मैं 2 और 3 से काटता हूं इसे। ये था क्वेश्चन मेरा 12/90। सबसे पहले जब तू 2 से काटेगा तो ये 6 टाइम्स कटेगा, 2 से काटेगा तो ये 45 टाइम्स कटेगा। बताना 2 से काटने के बाद यही लिखा था तेने? यस सर। अब इसके बाद 3 से काटा तेने तो 3 से कटा ये 2 times, 3 से कटा ये 15 times, क्या यही लिखा था आपने? चेक करो कि गलत काट दिया 3 से। सर गलत है। 3 से 45 को काटेगा तो 15 आएगा कि कुछ और आएगा, पता बेटा बोल तो सही, 15 आएगा कि कोई और चीज आएगी? सर ऊपर वाला गलत हो गया। अब इतने बताया यार, 6 को जब तू काट रहा है 3 से इसमें गलती करेगा? ये तो भाई बहुत छोटी बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर ले बेटा, मेरा वाला उतार ले जल्दी से। अभी चलो एक और करके दिखाओ इसी बात पे, अभी मामला सही नहीं हुआ तुम्हारा। चलिए अब करके दिखाएंगे आप ये 6th वाला। चलो बेटा 6th वाला करो जल्दी से, सारे बच्चे 6th वाला करेंगे।
बैठा बैठा मैं बोलो बेटा चलिए बेटा जरा चेक करते हैं कि हमारा आंसर गलत आया कि सही आया। ये बेटा मैं इधर की साइड कर देता हूं इसको। सिक्स्थ वाला हमारा क्वेश्चन था, माइक ऑफ कर दो बेटा। टू की पावर थ्री, फाइव की पावर टू। देखो बेटा जो काम हम उसमें पहले करते थे वो काम इसने पहले से करके दे दिया इस वाले क्वेश्चन में। सबसे पहले हम डुअस्टर में कन्वर्ट करते थे, 23 मेरा प्राइम नंबर है और नीचे वाला नंबर में 23 फैक्टर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कटेगा तो है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि चलो नहीं कटा, फैक्टर कर दो नीचे वाले के। फैक्टर उसने पहले से ही करके रखे हैं आपके पास, पहले से ही उसने फैक्टर करके दे दिया आपको। सर मेरा हो गया राकेश कुमार। नहीं बेटा आप नहीं बताना, आपको मैं बता ही रहा हूं, ठीक है आप नहीं बताना। अब देखिए हमने यहां पे देखा ओनली टू और फाइव प्राइम नंबर आने चाहिए नीचे। नीचे का मतलब होता है डिनोमिनेटर में केवल टू और फाइव आने चाहिए, तो डिनोमिनेटर में यहां पे टू और फाइव ही केवल आ रहा है तो इसका मतलब ये इंप्लाइज कर देगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अगर टू और फाइव के अलावा कोई एक सिंगल भी आ जाता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। अब हमें इसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है तो मैंने तो आपको बताया था कि यहां पर हमें इन दोनों की पावर्स को बराबर करना होता है। तो पावर्स को बराबर करने के लिए छोटी वाली पावर नहीं देखते हम, देखते हैं बड़ी वाली पावर। अब बताओ इन दोनों की में किसकी पावर बड़ी है, ये थ्री वाली पावर बड़ी है या ये टू वाली पावर बड़ी है? सर थ्री वाली। सर थ्री वाली। थ्री वाली तो मतलब अब कुल मिला के फाइव की पावर भी हमें थ्री करनी है। तो देखो फाइव की पावर टू तो पहले से ही आ रही है, अगर मैं एक फाइव से मल्टीप्लाई नीचे कर दूं और एक फाइव से ऊपर कर दूं तो टेक्निकली क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ भाई, क्वेश्चन जैसा था वैसा का वैसा ही रह गया। अब लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, फाइव का थ्री से मल्टीप्लाई किया 15, वन फाइव टू जा 10, 11, ऊपर तो आ जाएगा 115, नीचे आएगा टू की पावर थ्री। और देखो यहां पर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, मैं येलो कलर से इंडिकेट कर देता हूं। देखो जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, यहां इन दोनों में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है बीच में और इनकी क्या है बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो सकती है। तो यहां पर टू और वन पावर को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा थ्री। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा था इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू तो आ रहा है हमारा तीन बार और फाइव आ रहा है तीन बार। अगर इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो इस तरह से लिख के कर लो। देखो अगर मैं इस वाले टू को लूं और इस वाले टू का इस फाइव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा टेन। इसी तरह मैं दूसरे वाले टू को लूं और इस वाले फाइव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फिर से टेन बन जाएगा। इसी तरह यदि मैं तीसरे वाले टू को लूं और तीसरे वाले फाइव को ले लूं, तीसरा वाला टू ले लिया हमने और तीसरे वाला फाइव ले लिया तो भी ये क्वेश्चन में बन जाएगा टेन। तो ये बन गया हमारा 115/1000। मैंने कहा था वन और उसके बाद यदि जीरो आ रहा है डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट में डेसिमल जाता है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो राइट में जाता। अब 115 के अंदर क्योंकि डेसिमल लगाया ही नहीं उसने, इसका मतलब यहां पर डेसिमल आ रहा होगा
115.0। अब इसको मुझे थ्री डिजिट लेफ्ट ले जाना है डेसिमल को, तो यहां से ये ले गया मैं वन, यहां से यहां ले गया टू और यहां ले गया। बेटा ये माइक किस वक्त ऑन कर दिया, माइक ऑफ करो। तो ये बन गया डेसिमल 1 1 1 1 1 1। कौन आ रहा है? तो बेटा पहले क्लास से एग्जिस्ट हो, क्लास क्लास से एग्जिस्ट होके फोन उठाओ। अब ये डेसिमल दिख नहीं रहा मेरे को, तो इसलिए ये देखने में अच्छा लगे हम क्या करेंगे, जीरो पहले लिख देंगे फिर डेसिमल लगाएंगे 115, और ये बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। और एक मिनट एक मिनट, एक गलती फिर से हो गई। जब हमने ये डेसिमल लगा दिया तो फिर नीचे ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे ना तो वन लगाएंगे ना ये जीरो लगाएंगे। ध्यान रखें इस बात का, इसको हम ऐसे लिख दें या इसको हम ऐसे लिख दें, तीनों का आंसर सेम है। इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें कि फॉर्म आंसर में किस में आ रही है, उसी फॉर्म में हमें काम करना है। हेलो, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। तो ये टाइप नंबर 6 अच्छी तरह समझ में आ गया सभी बच्चों को? yes, समझ में आ गया। चलिए बेटा अभी एक और करके दिखाओ, अभी मुझे नहीं लग रहा कि सबको आ गया, अभी कुछ बच्चे गलती फिर भी कर रहे हैं। अब करके दिखाओगे आप ये फोर्थ वाला पार्ट, मैं बड़ा कर देता हूं क्वेश्चन को। देखिए ये फोर्थ पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये फोर्थ वाला पार्ट करना है, ये जो मैंने पिंक से कर दिया। व्हाट्सएप क्या कर रहा है बेटा? चलिए अभी एक मिनट बाकी है और करिए, जिस बच्चे का कर सकता है, जो बच्चा देव। बेटा मेरी आवाज आ रही है तेरे को? देव आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ बेटा करो जल्दी से, फोर्थ वाले को करो बेटा, तुमने आज बहुत लेट ज्वाइन किया है, करेक्ट 7 बजे ज्वाइन कर लिया करो, वो सॉरी करेक्ट 7:30 बजे। सर हो गया, सर शांत। ओके बेटा, सर हो गया विपिन कुमार। ओके
सर हो गया अमित कुमार मंडल। ओके सर हो गया, सर हो गया, सर सर हेलो सर हो गया मेरा मोहित सर। ओके मोहित कितना रोल नंबर है मोहित तेरा? सर 58 58 10158 वन जीरो टेंथ ए का टेंथ बी का सर टेंथ ए टेंथ ए का अच्छा क्योंकि टेंथ बी में भी बेटा हमारे पास दो मोहित हैं। सर हो गया राकेश कुमार। ओके बेटा मैं जब तक इधर से साफ कर दूं इसको लिखने के लिए जगह मिल जाएगी मुझे। ये देखिए बेटा अब आंसर मिलाएंगे सारे बच्चे। ये दे रखा है हमें 15/1600 ये है क्वेश्चन। तो हमने क्या किया पहले लोएस्ट हमें कन्वर्ट किया, ये कट गया 3 times, ये कट गया मेरा अगर 5 से काटूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 5 से 5 3 15 5 2 0 तो मतलब ये आ गया 3/320। अब ये लोएस्ट हमें कन्वर्ट नहीं होगा। अब ऐसी कोई भी टेबल नहीं है जो दोनों को काट दे, न्यूमरेटर को भी काट दे और डिनोमिनेटर को भी काट दे। तो इस आधार पर अब मैंने क्या किया ये जो मेरा दे रखा है 320 इसके मैंने फैक्टर पता किए, फैक्टर किए। अगर इस 120 के वो सॉरी 320 के मैंने फैक्टर किए तो सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया तो 2 से ये जाएगा 1 times और 2 से जाएगा ये 6 times और 2 से जाएगा ये 0, 2 से जाएगा 80 times, 2 से जाएगा 40 times, 2 से जाएगा 20 times, अगेन 2 से जाएगा 10 times, अगेन 2 से जाएगा 5 times, अगेन 5 से जाएगा दैट इज 1 times। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन हमारा ये बन गया 3/1 2 3 4 5 6 6 बार तो 2 आ गया बेटा और 1 बार 5। हमारी कंडीशन थी प्राइम नंबर केवल 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए नीचे वाले में। तो यहां पर हमने देखा हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, हमारा जो प्राइम नंबर है वो 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं है। तो इसका मतलब हम इम्प्लाइज कर सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा, केवल इसी बात से हम इम्प्लाइज कर सकते हैं। अब टर्मिनेटिंग होगा तो सॉल्व करना पड़ेगा ये। अगर इसको सॉल्व करने के लिए पावर सेम करनी पड़ेगी हमें, पावर सेम देखो कैसे करेंगे, यहां पर हमें देखनी है बड़ी पावर। अब बताओ मुझे ये जो 6 power आ रही है ये बड़ी है या जो 1 आ रही है ये बड़ी है? आप कहोगे 6, तो यहां पे 6 power लाने के लिए 5 की power 5 से अगर हमने ऊपर और 5 की power 5 से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे बन जाएगा हमारा 10 वाला नंबर। देखो ये 2 की power 6 5 की power 6, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम कह सकते हैं जब 2 की power 6 और 5 की power 6 आ जाती है तो इसका मतलब 1 और उसके बाद लगा सकते हैं हम 6 0। देखो बेटा इस वाली बात को दिमाग में सेट कर लो कि इसको हम कैसे टाइम बचा सकते हैं। इसमें अगर कभी भी 2 की power 1 और 5 की power 1 आ रहा है तो सीधा सा हो गया 10, 2 की power 2 5 की power 2 आ रहा है क्योंकि दोनों की पावर सेम है ना तो 1 लगा के 2 0। अगर 2 की power 3 5 की power 3 आ रहा है तो 3 0। यदि 2 की power 4 5 की power 4 आ रहा है तो 4 0, 1 लगाओ और 4 0 लगा दो। 2 की power 5 5 की power 5 आ रहा है तो इसका मतलब 5 0। तो ये बात समझ में आ गई होगी
जब हम इनकी पावर्स को सेम कर लेते हैं तो बड़े प्यार से हम पता कर सकते हैं कि जो है कितने जीरो आएंगे नीचे, तो उसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे पावर 5 आ रही थी, 6 आ रही है हाईएस्ट पावर, तो 6 जीरो मैंने लगा दिए यहाँ पे नीचे। अब ऊपर का देख लो मल्टीप्लाई, ऊपर आ रहा है 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 को किस तरह से लिख सकते हैं वो देख लीजिए। 5 की पावर 5 का मतलब है 5 5 5 का 3-5 बार मल्टीप्लाई। देखो जब 5 5 का 2 बार करेंगे तो 25, एक बार और कर देंगे तो 125, एक बार और कर देंगे तो ये हो गया 625, एक बार और कर दिया तो ये हो गया 3125। अब डेसिमल लगाना है हमें 6 डिजिट के बाद, और ये आ रहा है डिवाइड में, तो डिवाइड में आने का मतलब डेसिमल जाएगा मेरा लेफ्ट में। नॉर्मली जब इस नंबर में डेसिमल नहीं लगा रखा है तो डेसिमल आएगा यहाँ पे। अब डेसिमल यहाँ पे आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, डेसिमल को 6 डिजिट ट्रांसफर करना है। तो देखो 1 डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट, 3 4। अब यहाँ पे जीरो नहीं है तो 5 के लिए एक जीरो लगा दिया, 6 के लिए एक जीरो और लगा दिया, तो डेसिमल आ गया हमारा यहाँ। तो इसे हम लिख सकते हैं 003150। अगर ये इस डेसिमल को दिखाना है हमें तो 0 पहले लगा देंगे, देखने में अच्छा लगेगा। इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं आंसर को, आंसर को अगर लास्ट वाला 0 ना लगाएं तब भी ऐसे छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर हमारे सही है। जिस बच्चे का गलत है बेटा वो माइक ऑन करके बताओ किसका गलत था, क्या किसी बच्चे का ये गलत था तो वो बच्चा माइक ऑन करके बताए कि मेरा गलत था। सर यस मेरा गलत था। नाम? सर मेरा गलत था। नाम? नाम अमित कुमार मंडल। सर विक्रम गलत हो गया? विक्रम गलत हो गया। और इसका अविनाश का निकला कि गलत निकला इसका अविनाश का? सर गलत निकला है अविनाश का। तो बेटा इतनी देर लगाता है बोलने में? सर मेरा गलत है। नाम? सर मेरा भी गलत है, सोमुता। ओ बाप रे। और बताओ बेटा और किसका गलत है? मेरा गलत है। अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी बात है बेटा। पैसा अगर आपसे गलती हुई है तो अपनी गलती को मान लेंगे, आगे से सुधारेंगे उसे। सर मेरा गलत है। नाम बताइए। शिवेन। शिवेन ओके बेटा। क्या गलती कर दी थी बेटा शिवेन? क्या गलत किया था बेटा? कैलकुलेशन गलत हुई थी कि पावर ही सेम नहीं कर पाया था? ओ एक मिनट अभी तो बेटा ये गलती हो गई इसमें। रुको बेटा अभी तो आपका गलत नहीं है, पहले सुनो। मैंने केवल अभी 5 की पावर 5 को सॉल्व किया है, अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई और करना है बेटा, ठीक है? इसे 3 से मल्टीप्लाई डेसिमल करने के बाद भी कर सकते बेटा। अभी देखो अभी ये आंसर नहीं, आंसर चेंज होगा। 3 से मल्टीप्लाई अब भी कर सकते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 कैरी 7, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0 0 डेसिमल 0, ये होगा बेटा इसका आंसर। हमारा 3 से मल्टीप्लाई करना अभी रह गया था, ये जो 3 ये वाला आ रहा था हमारा, ये वाला 3, इस 3 से अभी मल्टीप्लाई रह गया था इसका। अब देखो अब कितनों का गलत था, हो सकता है अब किसी का सही हो गया हो। क्या आप में से जिन्होंने ये कहा कि मेरा गलत था उनमें से किसी का सही हुआ? अब माइक ऑन करके बताओ जल्दी, यदि किसी का सही हुआ तो इसका मतलब अभी भी सही नहीं हुआ। चलो बेटा अभी और प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी इस क्वेश्चन की, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कुछ नहीं आना है। बोलो बेटा नाम बताओ। सर वो मैंने ना पहले ना वो मैंने काटा नहीं था 5 से 15 और 1600 को, लेकिन तब भी मेरा आंसर करेक्ट निकला। ये बात तो मैं तुझे शुरू से चिल्ला रहा हूँ, जब तक लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे
तब तक आंसर सही नहीं आएगा। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना अनिवार्य है, नेसेसरी कंडीशन है। ये बेटा किस बच्चे ने माइक ऑन, बेटा माइक ऑफ करो, माइक ऑन हो गया किसी का। चल और देखिए, और करिए बेटा, अभी मजा नहीं आया, अभी बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं। सर मेरा नाम, सर जो मैंने बताया ना सर, मैंने काटा नहीं था सर, राकेश कुमार। ओके बेटा कोई बात, चलो अब करो, अब करो दोबारा सर, से कोई बात नहीं। सर 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 एक क्वेश्चन है सर। बोल बेटा बोल। सर वो मैंने काटा, सर वो मैंने काटा नहीं था, तब भी मेरा आंसर सही निकला। काटा नहीं था उसके बाद तेरा आंसर सही निकला। अब ये चेक करते हैं बेटा, ये माइक, ये माइक बिना काटे तेरा सही निकला। यहां पर फाइव से काटा है, ठीक है बेटा, सही निकल सकता है। ध्यान रखो, जब कभी भी हम जो है सेम नंबर से कटिंग करेंगे प्राइम नंबर से, तो हमेशा अगर हम टू और फाइव के अलावा किसी और प्राइम नंबर से कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। टू और फाइव से जब कटिंग करते हैं तो आंसर सही भी आ जाता है। मतलब ये तो ये मान ले ऐसी कंडीशन हो गई, 10% चांस है कि सही आंसर आ जाएगा और 90% चांस है कि गलत आंसर आएगा। यहां पर तेरा बिना काटे सही इसलिए आ गया क्योंकि हमने फाइव से कटिंग की है और टू और फाइव ही हमारे ऐसे नंबर हैं जिनसे हम चेक करते हैं, इसलिए सही आ गया तेरा। अगर टू और फाइव के अलावा किसी और से कटिंग होती ना तो 100% गलत आता तेरा। समझ में आ गया सर? हेलो सर, यस सर। सर मेरे को ना पॉइंट से समझ में नहीं आ रहा है सर, नहीं तो समझ में आ गया सर पॉइंट। कोई बात नहीं, अभी पॉइंट से समझा दूंगा, पहले एक क्वेश्चन करो फिर पॉइंट वाली बात समझाऊंगा। अब करना है आपको इनमें से, आप करो ये सेवेंथ वाला, ये येलो कलर से इंडिकेट कर दिया मैंने बेटा सेवेंथ वाला, ये सेवेंथ वाला करना है आपको। अभी आ जाएगा बेटा डेसिमल वाला, कोई परेशानी नहीं। मैंने एक डेसिमल का वीडियो बनाया था, वो वीडियो तो मैंने देखा नहीं, इसका मतलब
सर हो गया। ओके बेटा सर हो गया राकेश कुमार। ओके बेटा ओके। सर हो गया शशांत। सर हो गया। नाम बताओ। सर हो गया। चलिए बेटा जरा चेक करते हैं हम अपने आंसर को। सबसे पहले ये 129 देखा, ये 129 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए 129 के फैक्टर कर लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोएस्ट में कन्वर्ट नहीं हो पहले, तो इसलिए 3 से किया, 4 टाइम्स गया, 3 टाइम्स, 43 मेरा प्राइम नंबर होता है, तो इसका मतलब ऊपर वाले के फैक्टर 3 × 43 आ रहे हैं। अब नीचे 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, मैंने कहा था यदि नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आ जाता है जो कि इस केस में 7 आ रहा है तो हमारा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं लिखना है, केवल टर्मिनेटिंग आएगा तभी उसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। हमारा 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन ये 7 ने सारा काम खराब कर दिया, ये 7 आया तुरंत की तुरंत हमारा ये नॉन टर्मिनेटिव हो गया। 3 आ जाता, 11 आ जाता, 13 आ जाता, तो हम तुरंत कह देते कि भाई ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। और यदि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है तो उसको डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना, केवल टर्मिनेटिंग को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, नॉन टर्मिनेटिंग को डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को परेशानी? चलिए बेटा आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, ठीक है बेटा? यदि किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछ लो। ये वाला टाइप बहुत सारे बच्चों को नहीं आया था जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत हो रहे थे, इसलिए अब उम्मीद करता हूं कि ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। चलिए। यस सर। हाँ बेटा प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा से पूरा कर लेना। जो क्वेश्चंस मैंने करा दिए वो तो अच्छी बात है, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए वो भी कर ले, और जो करा दिए उन्हें भी दोबारा कर लेना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर इसके बाद इसमें कमांड हो जाएगी। क्योंकि ये मान के चलो बेटा, मैं ये मानता हूं कि इसका एक नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, और जो चीज 100% आएगी एक नंबर के लिए अगर हम एक घंटा देते हैं तो बुरा लेंगे, ठीक है? थैंक यू बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. I love you, sir. Love you.
नंबर दो। हेलो।